एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। सो ये जो रिएक्शन है आपको ट्वेल्थ क्लास में भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ ये बीएससी के और एमएससी के सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो बिना देरी करें मैं रिएक्शन स्टार्ट कर देती हूँ, बाद में हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आगे की वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो बेसिकली हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू यानी कि अमाइड्स रिएक्ट विद ए मॉलिकुलर ब्रोमीन। देखिए यहाँ पर बी आर टू हमने ले लिया है इन प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कोई भी बेस ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी अमाइन, देखिए यहाँ पर प्राइमरी अमाइन सिंथेसाइज हो गया है। प्लस अभी यहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, वो रहेगा एन ए बी आर प्लस एच टू ओ प्लस एन ए टू सी ओ थ्री, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट भी निकल गए। तो देखिए बेसिकली हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर अमाइन ही सिंथेसाइज होता है और वो अमाइन रहेगा प्राइमरी अमाइन। अमाइड ले सकते हैं, अमाइड लेंगे यहाँ पर हम मॉलिकुलर ब्रोमीन और NaOH को रिएक्ट करके हम प्राइमरी अमाइन बनाएंगे। तो बेसिकली यही रिएक्शन का मोटिव है कि यहाँ पर प्राइमरी अमाइन सिंथेसाइज होता है। सो ब्रोमामाइड से आपको एक हिंट मिल जाएगी कि रिएक्शन में ब्रोमीन और अमाइड ये दोनों साथ में ही लेने होंगे एंड रिएक्शन रिक्वायर्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस, वो रहेगी NaOH। तो अभी आप देख रहे होंगे कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम फटाफट इसको बैलेंस कर लेंगे। सो अभी यहाँ पर हम बैलेंस भी कर देंगे, यहाँ पर दो ले लेंगे एच टू के दो मोल्स, सिमिलरली NaBr भी दो, NaOH भी यहाँ पर फोर आ जाएगा NaOH के सामने। तो अभी देख रहे होंगे आप जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस हो गया, ये तो ये प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा बैलेंस करना। तो यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अब हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे। सो मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर अमाइड लिया जाता है। तो देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर NH2 यहाँ पर हमने ये अमाइड ले लिया, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। इसके साथ हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपको ऊपर में रिएक्शन में भी दिख रहा होगा, प्लस मॉलिकुलर ब्रोमीन। ये देखिए मॉलिक्यूल में है ब्रोमीन, यानी कि दो ब्रोमीन के एटम है। अभी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr भी रिमूव हो जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट कंपाउंड हमको किस तरह से मिलेगा, ये NH और यहाँ पर ये Br, इस कंपाउंड का नाम है एन ब्रोमामाइट। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ये है एन ब्रोमामाइट। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर बेस ऐड होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस ऐड होंगी। तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगी और ये जो चार्ज डेंसिटी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया और नाइट्रोजन के पास एज इट इज़ इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमको पता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा, सी डबल बॉन्ड को एन, यहाँ पर ये बी आर। देखिए नाइट्रोजन के एज इट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट यहाँ पर शो कर देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अभी क्या होता है, यहाँ से एक ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो देखिए ब्रोमीन किस तरह से रिमूव होगा अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम भी बता देती हूँ, ये रहेगा एन ब्रोमामाइट अनायन, ये है एन ब्रोमामाइट अनायन। तो यहाँ पर एन ब्रोमामाइट अनायन बन चुका है, अभी यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। सो अभी यहाँ से ब्रोमीन हम माइनस कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए अभी किस तरह का कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर अभी एक सिंपल सी रीअरेंजमेंट होगी और हमको आइसोसाइनाइट मिलेगा। तो वो रीअरेंजमेंट कैसी होगी, देखिए यहाँ पर ये जो अल्किल ग्रुप है यानी कि आर ग्रुप है, ये नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा। तो हमको रिजल्टेंट कंपाउंड किस तरह से मिलेगा, देखिए रिजल्टेंट कंपाउंड जो रहेगा वो रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, दिख रहे होंगे आप कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये है वो इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो अभी क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमको आइसोसाइनाइट की सिंथेसिस होते हैं फाइनली। देखिए आइसोसाइनाइट कैसे बनेगा, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड।
देखिए आइसोसाइनेट यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया है। अभी रिएक्शन में क्या होता है, फाइनली हाइड्रोलिसिस होता है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एरो पर मैं H2O मेंशन कर दूंगी। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए अभी हाइड्रोलिसिस होकर हमको फाइनली प्राइमरी अमाइन की यहाँ पर सिंथेसिस होगी, यानी कि हमको फाइनली हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे ये है प्राइमरी अमाइन। सो यहाँ पर कंप्लीट मैकेनिज्म हो चुका है। इससे पहले मैंने रिएक्शन बताई है, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेसिकली हॉफमैन ब्रोमामाइड ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइन सिंथेसिस रिएक्शन, ऑल्सो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो आई होप आपको वीडियो समझ एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।